अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रखे, आमीन। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ चेज़ब की शॉपिंग से। मैं चेज़ब गई थी और मैंने वहाँ से शॉपिंग की है। ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी सामान लेने गई थी जो कि अभी मुझे नीड थी जिस सामान की, तो वो मैंने कहा क्यों ना मैं चेज़ब से ले आऊँ। करीब ही है चेज़ब, तो घर के नियर ही है, तो मैंने कहा क्यों ना चेज़ब से कुछ सामान परचेज़ करके ले आते हैं। तो मैं अब्बू के साथ चेज़ब गई थी और मैं कुछ सामान परचेज़ करके लाई हूँ। ज़्यादा सामान परचेज़ नहीं किया मैंने, बस कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी वही परचेज़ की हैं। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। नए आने वाले जो भी मेरे चैनल पर हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन की, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए और आप लोग मेरी वीडियो देख सकें और लाइक कर सकें और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि मुझे जो है अच्छा लगे, मुझे खुशी हो कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर करा है, लाइक करा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा है। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने ईस्ट लिया था क्योंकि मुझे कुछ बेकिंग करनी थी और जो भी मैं बेकिंग करूँगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखना चाहते हैं, बेकिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं तमाम आने वाली रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ। नान कताई बिस्किट लिए थे जो कि घर में अम्मी वगैरह ये लोग बहुत शौक से खाते हैं, और चिकन स्प्रिट तो हम सबकी ही फेवरेट है घर में और अच्छी रहती है नाश्ते वगैरह में या टी टाइम में, अच्छी रहती है ब्रेड के साथ। और ये मुझे काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था, फ़ाइनली अब मुझे चेज़ब में ये मिल गया। मैंने ये इम्तियाज़ में भी सर्च किया था, मुझे नहीं मिला था और फाइनली ये मुझे चेज़ब से मिला है। इसे काफ़ी टाइम से मैं मंगवाने का सोच रही थी, मैंने दराज पे भी काफ़ी सर्च किया था बट मुझे नहीं मिला था। फिर मैंने इसको अली एक्सप्रेस साइट पर देखा था जो कि डॉलर्स में वैल्यू आती हैं, तो उसकी वैल्यू को अगर काउंट करा जाए पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा बन रही थी और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिला है। और इसकी जो प्राइस थी वो 220 थी, इसकी प्राइस 220 रुपये का मुझे ये मिला। और अगर मैं इसको ऑनलाइन परचेज़ करती तो ये आई थिंक 600 तक का था। और मुझे ये चेज़ब से जो है बहुत सस्ता मिल गया और बहुत ही प्यारा कलर है, बेबी पिंक कलर है और 220 रुपये का है, बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में। और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, अगर आप लोग भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं, ये फेशियल बैंड है, हेयर बैंड है, आप लोग यूज़ करना चाहें इसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फेशियल बैंड के लिए यूज़ होता है। मैं काफ़ी टाइम से इसे सर्च कर रही थी और फाइनली मुझे मिल चुका है, ये मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग भी अगर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी चेज़ब से परचेज़ कर लें, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। और रात में मैंने कढ़ाई बनाई थी, चिकन की कढ़ाई बनाई थी, बहुत यमी कढ़ाई बनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना लुक आप लोगों के साथ कढ़ाई का शेयर करूं। ये देख सकते हैं आप लोग कि बहुत यमी कढ़ाई बनी थी। मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।